नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के बारे में। जी दोस्तों, हम लोग बात करेंगे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर वाईफाई के बारे में कि कैसे जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को अगर आपके सामने आता है विंडोज वाज अनेबल टू कनेक्ट टू आपका वाईफाई का नाम आता है, फिर या फिर ट्रबल शूट का प्रॉब्लम आता है आपके सामने, या फिर टेल मी मोर अबाउट इंटरनेट कनेक्शन की जो इस तरह के ऑप्शन जैसा आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसे आते हैं, तो आप सॉल्व जो उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ऐसी ही जानकारियां जानते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और अभी जो वो हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे जो वो हम लोग वाईफाई के प्रॉब्लम को जो वो सॉल्व कर सकते हैं अगर कनेक्ट ना हो तो। हम हमारे सामने आपको दिखाने वाले हैं, ये है हमारा वाईफाई कनेक्शन। यहाँ पर जब हम लोग इसको कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, कनेक्शन जो वो स्टार्ट हो जाता है अपने वाईफाई से, लेकिन वहाँ पर जब आपको प्रॉब्लम सामने दिखाई देती है बिल्कुल कुछ इस तरह का ऑप्शन जो आपके सामने आता है, विंडोज वाज अनेबल टू कनेक्ट टू, उसके बाद ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर टेल मी मोर अबाउट इंटरनेट कनेक्शन का जो ऑप्शन आता है। अगर आपकी वाईफाई ऑन है और बिल्कुल आपको उसका पासवर्ड पता है तो आप जो यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर उस वाईफाई के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जिसका आपको पासवर्ड पता है, और उसके बाद जो आपको ऑप्शन बटन दबा करके प्रॉपर्टीज में जो वो चला जाना है। प्रॉपर्टीज में चले जाने के बाद यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी की का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद एज इट इज पासवर्ड जो वो एंटर कर दीजिए। जहाँ पर पासवर्ड के अंदर अगर कोई वर्ड बड़ा है तो बड़ा कीजिए उसको, छोटा है तो छोटा, ऐट द रेट है तो ऐट द रेट, गिनती है तो उसमें गिनती जो वो एंटर कर दीजिए। तो जैसे मैं जो मेरा पासवर्ड एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ ओके पे। ओके करने के बाद मुझे जो वो यहाँ पर जाना है और दोबारा से जा करके अब यहाँ पर जब वो कनेक्ट पे क्लिक करना है, कनेक्ट अपने आप ही जो वो हो गया ऑटोमेटिकली। अब देखिए आपके सामने जो वही वाईफाई कनेक्ट हो गया है जो मैं कनेक्ट कर रहा था, यानी कि वहाँ पर जो वो हमसे कोई मिसस्पेल्ड जो है वो पासवर्ड एंटर हो जाता है उसकी वजह से जो वो ये प्रॉब्लम आती है। अभी अगर हम इंटरनेट यूज़ करना चाहें तो आसानी से जो वो इंटरनेट भी यूज़ कर पाएंगे, कोई भी जो वो हमें नहीं रोक सकता है इंटरनेट को यूज़ करने से, आसानी से जो वो हम लोग एक्सेस कर पाएंगे हमारी उस वेबसाइट पे जिस पे हम एक्सेस जो वो करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका अनेबल टू कनेक्ट जो है वो आना जो है वो बंद हो जाएगा और आप जो वो आसानी से वाईफाई से जो वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप जान गए होंगे कि कैसे जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विंडोज वाज अनेबल टू कनेक्ट आए तो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में डालिए आपको जानकारी कैसी लगी और आप क्या नया जानना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए उस लाल बटन को दबा करके, और घंटी को भी जो दबा लीजिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और सीखते रहिए कैसे करें।